चोरी फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं, यानी एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड जो आप यूज करते हो, तो किस तरह से फ्रॉड को अंजाम दिया जाता है और किस तरह से इस फ्रॉड से बचे, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो बता दूं कि जिस तरह से फ्रॉड के आ रहे बैंकिंग कार्ड से, एक तरह का एक क्राइम है जो साइबर क्राइम में आता है, टॉप 3 क्राइम के अंदर आता है, जिसमें पकड़े जाने में 3 साल तक की सजा भी होती है। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि बैंकिंग कार्ड से फ्रॉड किस तरह किया जाता है, जो हैकर किस तरह से करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे बैंकिंग कार्ड से फ्रॉड से कैसे बचे हम, विक्टिम ना बन जाए। बैंकिंग कार्ड से फ्रॉड कैसे होता है, किस तरह से फ्रॉड किया जाता है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। यानी एटीएम बैंकिंग कार्ड से फ्रॉड का होता है, पहले बता दूं, जब आपकी बैंकिंग कार्ड की डिटेल्स यानी कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, मंथ और पैक स्टेट में सीडीडी होता है, वो लीक होने के बाद ही बैंकिंग कार्ड से फ्रॉड होता है। अगर आपके बैंकिंग कार्ड से मुझे कुछ ट्रांजेक्शन करना है तो मैं किस तरह से करूंगा, जब तक आपकी कार्ड की डिटेल मेरे पास नहीं रहेगी मैं ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। तो कार्ड की डिटेल्स लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अभी एक नॉर्मल इंसान भी, मतलब बहुत सारे तरीके, इसलिए बोल रहा हूँ कि एक तरीका नहीं है इसका। एटीएम मशीन हो गया, पॉस मशीन हो गया। पॉस मशीन क्या है, जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी शॉपिंग सेंटर में जाते हैं, वहाँ पर कार्ड स्वैपिंग मशीन रहता है, पॉस मशीन रहता है, कार्ड स्वैप करते हैं, हम पेमेंट करते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये भी हो गया कि वेबसाइट जो होती है, अमेजन, फ्लिपकार्ट का नाम सुने होंगे, बाकी इसके हटके भी इतने सारे इंटरनेट वेबसाइट अवेलेबल है जिसमें बहुत सारे ऑफर रहते हैं कि इतने कम प्राइस में आपको इतनी शॉपिंग मिलती है, शॉपिंग करने देते हैं, आपको ऑफर दिया जाता है, लालच दिया जाता है ताकि आप उस पर क्लिक करें और पेमेंट करें। पेमेंट तो होगा नहीं, बट आपकी कार्ड की डिटेल चले जाएगी थर्ड पार्टी के पास, जो उसे गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्ड की डिटेल्स यानी आपके एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी कार्ड है आपके पास, उसकी डिटेल थर्ड पार्टी के पास जाती है तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, आप विक्टिम बन सकते हैं। ये तो मैंने वेबसाइट का बताया आपको मैंने, लेकिन एक नॉर्मल इंसान भी जो इतना पढ़ा लिखा ना हो, इतना शॉपिंग नहीं करता हो इंटरनेट पे, बट वो महीने में 1 से 2 बार तो एटीएम मशीन जाता होगा। वो तो एक बार वो एटीएम मशीन गया, महीने में एक बार भी जब कार्ड स्वैप करते हैं तो वहाँ पर एक स्लॉट होता है कार्ड स्वैप करने का, एक इंसर्ट करने का। दो तरह की एटीएम मशीन होती है, पहला तो ये होता है हम कार्ड स्वैप करते फिर निकाल देते फिर ट्रांजेक्शन होता है, पैसा विड्रॉ करते हैं हम। सेकेंड ऑप्शन ये होता है हमारे पास, अलग तरह की मशीन होती है कार्ड इंसर्ट करने का, जब कार्ड हम इंटर करते हैं वो लॉक हो जाता है, जब तक ट्रांजेक्शन ना हो वो निकल नहीं पाता कार्ड। तो वो दूसरा तरीका जो है कार्ड इंसर्ट करने का, वो सेफ रहता है, हम इसमें कोई चिंता की बात नहीं कि हमारा कार्ड से कोई फॉल्ट होगा, उसमें कुछ डेटा रीड नहीं कर सकते। बट जो फर्स्ट ऑप्शन है, जो ज़्यादातर मशीन में अवेलेबल रहते हैं, हम कार्ड स्वैप करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, हम कार्ड निकाल लेते हैं फिर ट्रांजेक्शन करते हैं, ये पहला तरीका। इसमें होता क्या होता है, उसके बेनिफिट में जब से हम मशीन जाएंगे तो मशीन में 2 स्लॉट दिया रहता है, पहला कार्ड स्वैप करने का, इस साइड में कार्ड स्वैप करने का रहता है। हम जैसे कार्ड स्वैप करेंगे ना, उसमें एक मशीन में डिवाइस लगी रहती है, कार्ड रीडिंग डिवाइस, जो आपकी कार्ड की डिटेल को रीड कर लेती है। कार्ड की डिटेल से मुराद मेरा ये है कि आपके कार्ड का नंबर, आपका एक्सपायरी मंथ, ईयर, आपके कार्ड की बैंकिंग कार्ड जो भी है उसका एक्सपायरी मंथ होता है, ईयर होता है, उसके बैक साइड में सीडीडी होता है, और कुछ कुछ कार्ड में कार्ड होल्डर नेम दिया जाता है, ये किसका कार्ड है ये। तो डिटेल्स किसी के पास चले गया, जब वो मशीन लगी रहती है, हम जब स्वैप करते हैं मशीन में, हम कार्ड स्वैप करते हैं और उसमें क्या होता है, चिप लगा रहता है, कार्ड रीडिंग डिवाइस होती है जो कि कार्ड की डिटेल को ले लेती है। अभी इसका मतलब ये होता है कि एक बंदे के पास, एक हैकर के पास आपकी बैंकिंग कार्ड की डिटेल आ गई। अब बात करें पिन की, आप बोलोगे पिन तो मैंने बताया नहीं, तो फिर कैसे कोई ट्रांजेक्शन करेगा, कैसे कोई पैसा चोरी करेगा। तो दूसरा ऑप्शन ये रहता है, कार्ड की डिटेल तो आ गई, अब सेकेंड ये है कि जब आप पिन इंटर करते हो एटीएम मशीन में, वहाँ पर एक हिडन कैमरा आता है, बहुत ही छोटा सा कैमरा होता है जो आपकी आंखों से दिखता नहीं, नज़रअंदाज हो जाता है। तो उससे होता क्या है, आप जैसे पिन इंटर करते हो उसी तरफ एक हिडन कैमरा होता है और आपके पिन को कैच कर लेता है। अभी ठीक है, आपके कार्ड से डिटेल्स भी आ गई, पिन कैच भी हो गया, आप बोलोगे मैंने तो कार्ड निकाल दिया, कैसे कोई ट्रांजेक्शन करेगा। आपके जाने के बाद जो एक काम करता है, जो हैकर्स होते हैं पिन कैच करते हैं, कार्ड की डिटेल्स लेते हैं, वो आपके कार्ड, जैसे आपका कार्ड क्लोन हो जाता है, क्लोन यानी आपके सेम टू सेम कार्ड बन जाएगा। आप कार्ड की डिटेल्स किसी और के पास है ही है, तो कार्ड बनाना कोई बड़ा बात नहीं है, कोई क्लोन हो जाता है, इसीलिए वो आपके कार्ड का क्लोन हो गया, आप कार्ड का पिन भी मालूम पड़ गया। तो आपके जाने के बाद कुछ दिन बाद आपको एक मैसेज आता है कि आपके बैंकिंग कार्ड से इतना अमाउंट विड्रॉ हो गया है, तो आप बताते हो, फिर बैंक में कंप्लेंट करते हो, FIR करते हो, बहुत सारे तरीके हैं इसके क्लेम करने के लिए, बट आप परेशान हो जाते हो उस टाइम पे, आपकी कार्ड की डिटेल्स को और ले लेता है, पिन को और लेता है, एक डुप्लीकेट कार्ड बना के ट्रांजेक्शन किए जाते हैं। एक नॉर्मल बताया मैंने, जो मुंबई साइबर क्राइम ने पकड़ा हुआ है, इसीलिए किसी भी जाना ही होता है वहाँ पर एटीएम मशीन में कार्ड स्वैप करने के लिए, कैश विड्रॉ करने के लिए, एक नॉर्मल इंसान के लिए। लेकिन अभी जो है, अभी एक लेवल अप हो गया है, यानी कि अभी अब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, शॉपिंग करने के बाद एक ऑप्शन आता है हमारे पास पेमेंट करने के लिए, पॉस मशीन से कार्ड स्वैप करने का, यानी कार्ड पॉस मशीन होती है पॉइंट ऑफ सेल, हम उस पर कार्ड स्वैप करते हैं। तो कई तरह से जो हैकर्स होते हैं उसमें भी रीडिंग डिवाइस लगा रखते हैं, यानी चिप लगाया जाता है जो आपकी कार्ड के डिटेल्स को रीड कर लेता है, इससे क्लोन कार्ड बन जाता है। तो इस तरह से फ्रॉड होते हैं। दूसरा तरीका मैंने ये बताया था आपको कि फिशिंग नाम का तरीका होता है। फिशिंग क्या होता है, एक्चुअली आपको कभी आपको आया होगा, मैसेज आया होगा कि ऑफर चल रहा है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, और फिर क्लिक करने के बाद एक अननोन पेज ओपन होता है जहाँ पर मांगता है कार्ड की डिटेल्स, यानी जैसे आप इंटर करोगे उसके सर्वर पे, उसके डेटाबेस में आपका कार्ड की डिटेल्स सेव हो जाएगा, और बाद में फ्रॉड कर लेते हैं वो लोग।
दूसरा तरीका ये भी होता है कि आपको कॉल करता है कि मैं फलाना बैंक से बात कर रहा हूँ, आपकी कुछ कार की डिटेल्स चाहिए हमें, तो इस तरह से कॉल से बचिए आप, क्योंकि इस तरह से कॉल से ना आपकी कार की डिटेल को कैश किया जाता है फ्रॉड करने के लिए। तो मैंने बताया आपको कि बैंकिंग कार्ड से फ्रॉड कैसे होता है, आगे जाके बताऊंगा आपको कि बैंकिंग कार्ड से फ्रॉड से बचे कैसे। अभी हो सकता है मैं भी एक नॉर्मल यूजर हूँ, आप भी एक नॉर्मल यूजर है, जो मैंने सिनेरियो बताया आपको मैंने, आप भी कभी ना कभी एटीएम मशीन जाते होंगे, मॉल में तो जाते होंगे, कहीं ना कहीं ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, तो आप भी कहीं ना कहीं विक्टिम बन सकते हैं। तो बचे कैसे बताऊंगा अभी मैं आपको। तो जैसा आप जान चुके हैं कि बैंकिंग कार्ड से फ्रॉड किस किस तरीके से होते हैं, कार्डिंग क्राइम किस तरह से होता है, लेकिन हमें इसे बचना किस तरह से, अगर मुझे मेरी बैंकिंग कार्ड को सेव करना है तो मैं किस तरह से करूँ उसको। तो जैसे आप जान रहे हो तरीका क्या होता है, तो उसी तरह से इसका अपोज करें आप। इस तरह से मैंने शुरू में आपको एग्जाम्पल बताया कि एटीएम मशीन से बैंकिंग कार्ड की डिटेल कैसे लीक होती है, बैंकिंग कार्ड से कैसे फ्रॉड होता है। तो दो तरह की एटीएम मशीन आपके एरिया में होती है। पहला तो ये होता है, हम जब कार्ड स्वैप करने वाला एक इंटर होता है, कार्ड इंटर करते हैं, जब तक ट्रांजेक्शन नहीं होता है हम कार्ड निकाल नहीं सकते। जितना हो सके आपके नियर बाय जो एटीएम होता है इंसर्ट करने वाला, अब उसमें जाकर ट्रांजेक्शन कीजिए या पैसा विड्रॉ कीजिए। स्वैप करने में कहीं ना कहीं हमें टेंशन होता है कि हमें डेटा लीक ना हो जाए। दूसरा तरीका ये होता है कि जब हम किसी SMS, सभी के मन में SMS आता है कि आप ये रनिंग के लिए, या फिर कोई अदर एप्लीकेशन आता है कि यहाँ पर ऑफर चल रहा है, यहाँ पर इतना कैशबैक मिल रहा है, या फिर आपके कार का इंश्योरेंस का SMS आएगा, या किसी मोबाइल ऑफर आएगा कि इस पर क्लिक करके मोबाइल खरीदिए आपको सस्ता मिलेगा, या ऑफर चल रहा है, समथिंग लाइक डेट। ये तरह का फिशिंग है, इस पर क्लिक ना कीजिए। क्लिक करने के बाद जो वेबसाइट आती है वो अनोन वेबसाइट होती है, वो आपको देखेगी सेम अमेजन फ्लिपकार्ट की तरह, लेकिन वो अमेजन फ्लिपकार्ट नहीं होगा, उसका लिंक चेक करेंगे तो लिंक अलग रहेगा उसका। तो इस तरह से कार की डिटेल ली जाती है। तो ये सारे तरीके हैं बैंकिंग कार्ड से फ्रॉड से बचने के लिए। मैंने आपको एक और एग्जांपल बताया था आपको मैंने, कि पॉस मशीन जो होती है वो भी कहीं ना कहीं खतरनाक होता है, बैंकिंग कार्ड से फ्रॉड हो सकता है इसमें। तो जितना हो सके बोलने का मतलब ये है, जो कार्ड हम स्वाइप करते हैं उससे बचिए, जहाँ पर कार्ड इंसर्ट करने का ऑप्शन होता है वहाँ पर आप यूज़ कीजिए एटीएम मशीन, या फिर जो आप अननोन वेबसाइट बताया मैंने कि अननोन वेबसाइट विजिट मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो थर्ड पार्टी जो कार्ड डिटेल्स लेती है उससे भी हमें खतरा हो सकता है, कहीं ना कहीं हमारा डेटा लीक हो सकता है, और डेटा लीक हो गया यानी आपके बैंकिंग कार्ड की जो सेविंग है आपकी वो किसी और के पास चली जाती है। तो उम्मीद करते हो कि सारा वीडियो किस तरह से फ्रॉड होता है, किस तरह से बचना चाहिए वो आपको समझ में आया होगा। अगर पास्ट में आपके साथ भी ऐसा कुछ फ्रॉड हो चुका है बैंकिंग कार्ड से, तो कमेंट सेक्शन में हमें शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस, और इसी तरह की टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए हमारे नुक्कड़ लाइव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।